हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज हम हाइट टेस्ट करने वाले हैं इंटरसेप्टर 650 पे, जो कि मेरे सामने खड़ी है। सो वन बाय वन डिफरेंट हाइट वाले बंदे को मैं बुलाऊंगा, वो कितना अच्छा कंट्रोल, कितना अच्छा मैनूवर कर पाते हैं और उन्हें लिफ्ट करने में कितनी दिक्कत और कितनी सिंपलिसिटी से वो लिफ्ट कर पाते हैं बाइक को। सो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा 5.5 हाइट वाले बंदे को। आइए भाई, बैठ के दिखाइए बाइक में। सो भाई, ये हैं 5.5 वाले बंदे, तो इनके टो इजीली पहुंच जा रहे हैं। और भाई ये बताइए, आपको लिफ्ट करने में कितनी डिफ़िकल्टी हो रही है बाइक को? ज़्यादा डिफ़िकल्टी तो नहीं हो रही है, मगर थोड़े उठाने में बहुत हैवी लग रही है। अप्रॉक्सीमेटली 650 सीसी की इंजन है इस बाइक में, सो ये आपको लिफ्ट करने में थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी हो सकती है 5.5 वाले बंदे को। जो बहुत टाइम से चला रहे हैं 5.5 फीट वाले बंदे, तो उन्हें डिफ़िकल्टी नहीं होने वाली है। जब बिगनर्स हैं उनके लिए थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी होने वाली है, बट एनीवे जब वो चलाने स्टार्ट करेंगे बाइक को, तो उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं होगी बाइक चलाने में। सो भाई, अभी 5.5 वाले बंदे को आपने देख लिया कितना अच्छा कंट्रोल और कितना अच्छा मैनूवर कर पा रहे हो। अब मैं बुलाने जा रहा हूँ 5.6 फीट हाइट वाले बंदे को। सो भाई आइए। भाई देख सकते हो लिफ्ट करने में तो दिक्कत हो रही है। आप सबसे पहले टो पे देखो इनके, इनके टो इजीली पहुंच जा रहे हैं। भाई ये बताइए, आपको लिफ्ट करने में कितनी डिफ़िकल्टी हो रही है? लिफ्ट करने में आपको हल्का फुल्का वेट फील होगा। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हैं तो आपको थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, लेकिन अगर आप एक एक्सपीरियंस राइडर हैं तो आपको ऐसे सच कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। सो डेफिनेटली आपको 5.6 फीट हाइट वाले बंदे को डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। जो जिन्हें राइडिंग नहीं आती है, जिन्हें राइडिंग आती है जो बाइक चलाते हैं, उनके लिए तो यार कोई भी बाइक चल जाती है। सो भाई, अब मैं बुलाने जा रहा हूँ 5.7 फीट हाइट वाले बंदे को। सो भाई जल्दी आइए। भाई इनका एक पैर इजीली पहुंच जा रहा है और एक टो पहुंच रहा है, दोनों पैर इजीली नहीं पहुंच पा रहे हैं, बट ठीक है, ये आराम से चला सकते हैं बाइक। ये काफ़ी टाइम से बाइक चला रहे हैं, तो इन्हें आइडिया है कैसे उठानी, कैसे लिफ्ट करनी बाइक को। और भाई आप पर्सनली भी बता दें, कितने लिफ्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है बाइक को? ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है इसको लिफ्ट करने में, पर मुझे लगता है कि एज कम्पेयर टू और बाइक थोड़ी हैवी है ये, पर हैवी राइडर्स जो पसंद करते हैं हैवी बाइक चलाना, उनके लिए काफ़ी अच्छी बाइक है। सो यार ये भी कह रहे हैं कि बाइक बहुत अच्छी है, लिफ्ट करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। सो 5.5 और 5.6 वाले बंदों को थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन 5.7 वाले तो इजीली चला सकते हैं। सो भाई, बहुत लोग के कमेंट्स आ रहे थे, यार मैं तो इस हाइट का हूँ और आप वीडियो में दिखा रहे हैं सेम हाइट के बंदे अपने पैर तो ईजिली नहीं पहुँचा पा रहे, बट मेरे तो ईजिली पहुँच जाते हैं। यार सबकी बॉडी एनाटॉमी अलग होती है, किसी के टॉर्सो लंबा होता है, किसी के लेग्स लंबे होते हैं। जिसके लेग्स लंबे हैं उसके तो ईजिली पहुँच जाते हैं, सेम हाइट के ही क्यों ना हो, बट जिसका टॉर्सो लंबा है वो ऊपर से लंबा है ना यार, तो उसके पैर ईजिली नहीं पहुँच पाते हैं। और डिपेंड्स करता है यार आप कितने टाइम से बाइक चला रहे हैं। तो अगर आप बहुत टाइम से बाइक चला रहे हैं तो आप तो कोई भी बाइक चला सकते हैं, बट अगर बिगनर्स हैं तो यार आपको डेफिनेटली किसी भी बाइक में डिफिकल्टी होगी। सो आखिरी में भाई, मैं खुद भी इसमें हाइट टेस्ट करना चाहूँगा। मेरी हाइट है 5'11", सो मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ मेरे पैर पहुँच पाते हैं नहीं पहुँच पाते हैं, मेरे टो पहुँच रहे हैं या मेरे पैर इजीली पहुँच रहे हैं, ठीक है। वैसे इसकी सीट हाइट इतनी ऊँची नहीं है यार, फिर भी मैं बैठ के दिखाता हूँ आपको। सो मेरे दोनों पैर इजीली पहुँच जा रहे हैं इसमें, अगर मैं टो पर उठा लूँ तो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी हो रही है बाइक को उठाने में, और लिफ्ट करने में यार मुझे कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई क्योंकि मैं बहुत टाइम से चला रहा हूँ बाइक, सो इतनी डिफ़िकल्टी नहीं हो रही है मुझे। और हैंडल बार के बारे में बात करूँ तो इसके हैंडल्स मीडियम है, इतने चौड़े भी नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और मिलते हैं आपको सीधे नई वीडियो में।